दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते डक्की भाई और इनकी वाइफ को पाकिस्तान के ऑर्गेनाइज क्राइम डिपार्टमेंट ने क्यों अरेस्ट कर लिया था? प्लस क्या आपको पता है कि नदीम नानीवाला को इमरान खान की सपोर्ट करने पर जेल में क्यों बंद किया गया? प्लस क्या हुआ जब पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर को एक गाना बनाने के जुर्म में एंटी टेररिज्म पुलिस ने गायब कर दिया? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको, आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे फेमस यूट्यूबर जो पाकिस्तान के हैं, उनको पुलिस वालों ने क्यों अरेस्ट कर लिया, क्या वजह थी अरेस्ट करने की, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो के जरिए से। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो मैंने जिस चैनल से ली है उनका चैनल का नाम हैदर टीवी। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की है और बेहतरीन वीडियो भी आज की है कि एक यूट्यूबर जो सबसे फेमस है पाकिस्तान के, उनको पुलिस वालों ने क्यों अरेस्ट किया। इस तरह के तमाम यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान के, उनको पुलिस वालों ने अरेस्ट किया है और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके केस अभी तक चल रहे हैं। मतलब 1.5-2 साल पुरानी बात हो गई है लेकिन वो केस अभी भी चल रहे हैं और उनको अभी तक के बस जमानत मिल गई है, बेल पे है, बाहर है, लेकिन केस चल रहे हैं। तो ये जानेंगे ये सब सारी बातें। देखा जाए तो ये वीडियो फनी भी है और हंसी भी है। आइए देखते हैं इस वीडियो के जरिए से वो कौन यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान के फेमस हैं, जिनको पुलिस वालों ने अरेस्ट किया है। तमाम यूट्यूबर हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, वो अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल पर नए अगर हों वो सब्सक्राइब भी कर लें मुझे सपोर्ट करने के लिए। वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक भी कर लिया करें और अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए और बेल आइकन भी दबाया करिए कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते डक्की भाई और इनकी वाइफ को पाकिस्तान के ऑर्गेनाइज क्राइम डिपार्टमेंट ने क्यों अरेस्ट कर लिया था? प्लस क्या आपको पता है कि नदीम नानीवाला को इमरान खान की सपोर्ट करने पर जेल में क्यों बंद किया गया? प्लस क्या हुआ जब पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर को एक गाना बनाने के जुर्म में एंटी टेररिज्म पुलिस ने गायब कर दिया? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी पुलिस के हाथों अरेस्ट होने वाले सबसे फेमस यूट्यूबर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। डक्की भाई, दोस्तों डक्की भाई पिछले कुछ दिनों से काफी न्यूज में चल रहे हैं। वैसे तो आवाम इनको काफी ज्यादा लाइक करती है पर पुलिस वाले किसी के भी नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डक्की भाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक से मिलकर इन्हें विराट कोहली और शाहरुख खान से मिला दिया। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब इस मुतलिक बयान दिया तो लोगों ने भी डक्की भाई को काफी क्रिटिसाइज किया। यहां तक भी डक्की भाई का टाइम काफी खराब चल रहा था, लेकिन फिर 8 अक्टूबर को इनकी वाइफ अरूप जतोई ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर अपलोड की जिसमें वो गन के साथ बैठी हुई थी। वेल, इलीगल गन पोजेशन के चक्कर में लाहौर मॉडल टाउन की ऑर्गेनाइज क्राइम पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। आप सब सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट वाले इतने फर्क कहां से हो गए कि डक्की भाई और इनकी वाइफ पर नजर रखें, और हो सकता है कि किसी हेटर ने यह काम कर दिया होगा कि इनकी कंप्लेन कर दी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असल में रिसेंटली ही आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने एक यूनिट बनाई थी ताकि जो लोग सोशल मीडिया पर वेपन्स की वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह शेयर करते हैं उन पर एक्शन लिया जा सके। सो बेसिकली स्पेशल यूनिट वाले मीडिया पर क्रैक डाउन कर रहे थे और इन्होंने अरूप जतोई की भी पिक्चर देख ली और इन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया। वेल, थाने में कई घंटे स्पेंड करने के बाद डक्की भाई और इनकी वाइफ ने रिटर्न में पुलिस से माफी मांगी और इस बात की यकीन दहानी करवाई कि आईना इनसे इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। इस पर इन्हें बगैर किसी क्रिमिनल चार्ज के जेल से रिलीज कर दिया गया। बहरहाल जो भी हो, डक्की भाई का टाइम तो वाकई में काफी खराब चल रहा है। नदीम नानीवाला, दोस्तों मैंने रिसेंटली एक वीडियो में आपको बताया था कि फेमस टिकटॉकर और यूट्यूबर नदीम नानीवाला को डस्का पुलिस ने बदला ब्रदर नामी यूट्यूबर को किडनैप करने के जुर्म में अपने दोस्तों समेत गिरफ्तार कर लिया था। खैर, वो केस तो कई महीने पहले खत्म हो गया था, लेकिन रिसेंटली सितंबर के एंड में नदीम रोड पर जाते हुए फिर पुलिस के हाथ लग गए। वेल, 24 सितंबर को नदीम नानीवाला अपनी ऑडी कार में जा रहे थे तो डिफेंस के करीब एक चेक पोस्ट पर इन्हें पुलिस ने इंस्पेक्शन के लिए रोक लिया। जब पुलिस वालों ने कार के पेपर्स चेक किए तो पता चला कि इनकी ये IK804 वाली नंबर प्लेट फेक है। वेल, अगर आप इनकी टिकटॉक और इंस्टाग्राम वीडियोस देखते हैं तो आप जानते होंगे कि इनकी ऑलमोस्ट हर वीडियो ही इस कार के साथ शूट होती थी। पुलिस के मुताबिक ये नंबर प्लेट बिल्कुल फेक है और ये कार 2022 से रजिस्टर ही नहीं हुई। वेल, नदीम नानीवाला ने ये नंबर प्लेट इमरान खान की सपोर्ट में लगाई थी क्योंकि आई के इमरान खान और कैदी नंबर 804 बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था। खैर, पुलिस वालों ने न सिर्फ इस कार को सीज कर लिया बल्कि नदीम को भी मौके पर ही अरेस्ट कर लिया। अनफॉर्चुनेटली नदीम नानीवाला पर अभी भी ये केस चल रहा है और इन पर जुर्माना होगा या फिर इनको जेल की सजा होगी, ये बात कन्फर्म नहीं हुई। दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस वैसे भी कैदी नंबर 804 वाली हर चीज को रडार में रख रही है और इमरान खान के सपोर्टर्स पर कुछ ज्यादा ही बारीकी से तहकीक हो रही है। बहरहाल जो भी हो, नदीम नानीवाला पिछली दफा तो पुलिस से बच गए थे, लेकिन इस दफा जो इन पर केस बना है उससे निकल पाना आसान काम नहीं होगा। आउन अली खोसा, दोस्तों आप में से बहुत से लोग पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर आउन अली को जानते होंगे। वैसे तो ये कई सालों से फनी प्रैंक्स और मुल्की हालात पर स्पूफ वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन रिसेंटली जश्न आजादी से पहले इन्होंने एक सॉन्ग बनाया था जिसका टाइटल था बिल बिल पाकिस्तान। इस फनी सॉन्ग में ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात और हुक्मरानों की करप्शन का जिक्र कर रहे थे। बिल बिल पाकिस्तान भूखी है अवाम, बिल बिल पाकिस्तान सब खा गए हुक्मरान, बिल बिल पाकिस्तान। वेल, इनका ये फनी सॉन्ग अपलोड होते ही इमीडिएटली वायरल हो गया था, लोगों ने इसे बहुत ही पसंद किया और ये ट्रेंडिंग में चलना शुरू हो गया। वैसे तो इस गाने में कुछ
भी गलत नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। वेलिस गाने के अपलोड और वायरल होने के कुछ ही दिनों के बाद 15 अगस्त की रात को अचानक 8-9 पुलिस वाले सिविल कपड़ों में इनके घर घुस आए और अउन को जबरदस्ती उठाकर ले गए। इस हादसे के बाद 3 दिन तक अउन का कुछ भी पता नहीं चला। इनकी वाइफ ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दर्ज की कि अउन को फोर्सफुली बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिया गया है। सो इस पर हाई कोर्ट ने लाहौर पुलिस को ऑर्डर दिया कि अउन अली कूसा को फौरन से रिकवर किया जाए। तब जाकर आखिरकार तीसरी रात ये सही सलामत घर वापस आ गए। मीडिया ने इनसे पूछा कि ये 3 दिन कहां थे और इनको कौन ले गया था, तो अउन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। न्यूज चैनल के मुताबिक अउन अली कूसा को भी इमरान रियाज खान की तरह इदारों की तरफ से किडनैप किया गया था। असल में इन्हें डराया धमकाया गया ताकि ये गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात ना कर सके और दोबारा ऐसी वीडियोस बनाने की हिम्मत ना करें। एनीवे अउन अली कूसा के साथ इस सलूक पर लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और लोगों का कहना था कि अब तो इस मुल्क के अंदर सच बोलना तो दूर, ज्यादा हंसने की भी परमिशन नहीं है। मुनीब अली खान, दोस्तों टिकटॉक यूजर्स मुनीब अली खान को जानते होंगे, ये पाकिस्तान के सबसे फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में से एक हैं। वे जब पाकिस्तान में रेजीम चेंज चल रहा था तो बहुत से लोगों की तरह मुनीब भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। 9 मई 2023 को जब पीटीआई इमरान खान के हक में धरना दे रही थी तो मुनीब भी इसमें शामिल थे। किसी न्यूज रिपोर्टर ने इनका इंटरव्यू लिया तो इन्होंने इमरान खान की सपोर्ट में काफी बातें की और ये इंटरव्यू वायरल हो गया। और पुलिस वालों ने पीटीआई सपोर्टर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया था। उस वक्त वीगो डाले वाले लोग मुनीब को भी अरेस्ट करके ले गए थे क्योंकि इनका इंटरव्यू वायरल हो गया था और इस इंटरव्यू में ये इमरान खान को काफी सपोर्ट कर रहे थे। वेल मुनीब को एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया गया और इन पर इल्जाम था कि इन्होंने भी सबके साथ मिलकर मिलिट्री पर हमला किया है। खैर एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इन्हें रिमांड पर जेल में भेज दिया था। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि कोर्ट ने इन्हें बेल तक ग्रांट नहीं की थी। मुनीब ऑलमोस्ट 6 महीनों तक जेल में बंद रहे और इन पर मुसलसल केस चलता रहा। फिर आखिरकार इन्हें 6 महीनों के बाद रिलीज कर दिया गया था। जेल से निकलने के बाद तो इनकी लुक ही बदल गई थी। इवन काफी टाइम तक ये सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहे और आखिरकार इन्होंने एक वीडियो मैसेज के जरिए पाकिस्तानी फौज और इदारों से माफी मांगी और बताया कि किसी इनका ये इंटरव्यू वायरल कर दिया था, हालांकि इन्होंने जलसे के अंदर एक पत्ता तक नहीं तोड़ा था। और बाकी ये जो अल्फाज थे ये जज्बात में मेरे से बोले गए, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और एक चीज मुझे माफी का किसी ने नहीं कहा कि मैं अपना कौमी फर्ज समझता हूँ, मैं आइंदा ऐसी किसी भी एक्टिविटी में मुलव्वज़ नहीं होगा। एनीवे जो भी हो, इस हादसे ने इनकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया था। यासर शामी, दोस्तों आप सब डेली पाकिस्तान ग्लोबल के एंकर यासर शामी को तो जानते होंगे। वैसे तो ये ऑलमोस्ट हर वायरल चीज को अपने यूट्यूब चैनल पर कवर करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब यासर खुद एक वायरल न्यूज बन गए थे। वेल आप में से शायद ज्यादातर लोग जानते होंगे कि 2022 में मरहूम डॉक्टर अमर लियाकत की एक नाजेबा वीडियो वायरल हुई थी। इस वीडियो के वायरल होने की वजह से अमर लियाकत शदीद डिप्रेशन में चले गए थे और अनफॉर्चुनेटली 9 जून 2022 को इनकी डेथ तक हो गई थी। असल में अमर लियाकत की उस नाजेबा वीडियो को यासर शामी ने वायरल किया था। अमर लियाकत की डेथ के बाद यासर पर सख्त कानूनी कार्रवाई की गई थी। इन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इनके खिलाफ हाई प्रोफाइल केस भी दर्ज किया गया। वेल जेल में रहने के कुछ टाइम के बाद यासर बेल पर बाहर आ गए थे, लेकिन ये केस आज भी ओपन है और इसकी मुसलसल सुनवाई होती रहती है। द नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक यासर शामी ने कोर्ट के अंदर 25 लाख रुपए जमानत दी थी, तब जाकर इन्हें बेल पर जेल से बाहर आने की परमिशन दी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने इन्हें ये भी हुक्म दिया था कि FIA में अपनी सारी स्टेटमेंट और अपने बेकसूर होने के सारे सबूत भी जमा करवाएं। हैरान की बात यह है कि 2 साल से ज्यादा गुजरने के बावजूद आज भी ये केस चल रहा है और यासर थाने और कोर्ट कचहरी के लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। एनीवे जो भी हो, जब बंदा इस तरह के गलत काम करेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही हो। तो दोस्तों ये तमाम रिएक्शन जो आपने देखा, पाकिस्तान के जो फेमस यूट्यूबर थे वो किसी की बीबी ने गन लेके फ़ोटो खिंचाया और इंस्टा पे शेयर कर दिया तो उसको अरेस्ट कर लिया, किसी ने गाना गाया तो उसको अरेस्ट कर लिया, किसी ने यूट्यूबर ने इमरान खान के सपोर्ट में बोल दिया तो उसको अरेस्ट कर लिया। ये है पाकिस्तान का हाल कि कोई किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, फ़ोटो भी खिंचवाइए तो उसको भी पुलिस वाले ने उठा लिया। तो ये फेमस यूट्यूबर थे जो पाकिस्तान के रहने वाले थे जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया। आपने देखा ये वीडियो, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हुई होगी आज आपकी, और अच्छी लगी हुई तो इसको शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।